सो गाइस फाइनली 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 वी आर एट खुंजरा पास। लो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर एपिसोड, एपिसोड नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले 2 व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम कराची से डायरेक्ट गिलगित आए थे और गिलगित से फिर हम हुंजा आए थे। हुंजा में हमने नाइट स्टे किया था। आज का जो हमारा प्लान है, आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं खुंजरा पास। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग जानने वाले ऑलरेडी गए थे तो उन्होंने बताया है कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि खुंजरा पास में होती भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो जितनी चीज़ें लेकर आए थे वो अंदर सारी पहन ली हुई हैं और ये खड़ी हुई हमारी बाइक्स, ठीक है। और बाइक्स यहाँ खड़ी हुई हैं, डाला यहाँ खड़ा हुआ है और कुछ ऐसा व्यू है। वो सामने पहाड़ों पे शदीद बर्फ़ है और क्या मज़ा आ रहा है वो देख के। और मैं बड़ी दुआ कर रहा हूँ अल्लाह पाक से कि काश 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 लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाए खुंजरा में। सो यहाँ से आगे जाते हैं, बस 10 मिनट में बॉयज़ आ रहे हैं, सो हम निकलते हैं, फिर आप लोग भी साथ चलें और आप लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है। फाइनली वी आर एट हटाबाद लेक। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं और अभी नीचे की साइड जा रहे हैं, नीचे जाके आपको एक खूबसूरत से मंजर दिखाते हैं हटाबाद लेक के। सो गाइस दिस इज हटाबाद लेक। यहाँ पे जिप लाइन वगैरह हो रही है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। मेरे बॉयज जो हैं वो पीछे रह गए, मैं ज़रा वीडियो बनाने के चक्कर में आगे आ गया जल्दी। हाँ यार, ऐसी जगह पे कैसे गाने लगाए हैं लोगों ने, सारा मज़ा ही ख़राब किया हुआ लोगों ने ऐसे गाने लगाए हैं। तो गाइस अब सीन ये है कि अब यहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा तस्वीरें वस्वीरें ले लेते हैं। अरे बंद कर देना यार, व्हाट द फक मैन, मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ, ओके। वो भी इंजॉय करना है, उनका भी दिल कर रहा है, सो किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेट देम एंजॉय मैन। ये आ रहे मेरे लड़के, माय बॉयज। Biker boys, so guys, Pasukun's view.
कुछ कर रहे तुम? अभी तक हम खुंजराब पहुंचे नहीं है, रास्ते में बस एंट्री करा रहे हैं। जो लोग आए उनको पता होगा कि यहाँ पे एंट्री होती है और 500 रुपये पर पर्सन। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स आर द ब्रिज बिटवीन अस एंड नेचर। सो गाइस, इंशाल्लाह अगले 30 मिनट में अगर अल्लाह ने चाहा तो हम होपफुली खुंजराब पास पहुँच जाएंगे। गाइस चेक करें, छोटी सी अबसार बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ठंडे यार, बहुत ठंडे। अभी तो खुंजरा पहुँचे भी नहीं है तो ये हाल है, बहुत ठंडे। हमारे बाइकर्स काफ़ी पीछे रह गए हैं, बहुत ठंडी है, बहुत बहुत बहुत, बहुत। So guys, finally, we are at Khunjraab Pass. लो जी, आखिरकार पहुंच ही गए। और हाँ, ले लो, अभी तो बाइक्स भी आ रही है, उनसे भी लेगा यार। कराची से आना भाई, इट्स नॉट इजी। धुआं निकल रहा है। आई लव पाकिस्तान, बहुत ठंडे यार, बर्फ़ है, हाथ चल रही है, मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा है यार, बहुत ठंडे। आज जम गया, कैसे हैं भाई, खैरियत से आ रही है आगे साथ है। ओके, खुंजराब फाइनली, ये एहसान कैसा है? अबे यार कैसे ठंड है यार, ले रहा हूँ ब्लॉग बन रहा है, ले रहा हूँ पिक्चर। ओ भाई साहब, ठंडा यार, बहुत ठंड है गाइस। ये बाइक आ गई हमारी, ये यार गाइस मजा आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। कराची से निकले थे और यहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कराची से यहाँ तक आना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हम पंजाब से नहीं आते, पंजाब वगैरह से जो लोग आते हैं वो उनके लिए करीब है। कराची से आने में जो आते हैं उनको पता है कि क्या हाल होता है कराची से यहाँ पे आने में। तो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को, आई एम जस्ट इंजॉइंग एंड आई एम जस्ट चिलिंग। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू गाइस, डू रिमेंबर अस, ऑल ऑफ अस इन योर प्रेयर्स। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है? और अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकलेंगे, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। और अगर तो आप लोगों को वीडियो में सबको अच्छा लगा हो तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब।